सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर कैसे लगाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है, तीन हमारे पास पेज हैं और तीनों पेजों पे हम अलग अलग बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सेक्शन ब्रेक करना है। सेक्शन से मेरा मतलब जैसे कि अभी ये तीनों पेज जो है आपको एक ही सेक्शन में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों पेजों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि अलग अलग सेक्शन में तोड़ देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले पेज में एकदम लास्ट में अपना कर्सर रखना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, लास्ट में कर्सर दिखाई पड़ रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में लेआउट टैब में। ये रहा लेआउट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे ही आपको ये मिल जाएगा ब्रेक्स का ऑप्शन। ठीक, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर देखिए नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे साथ में लिखा भी हुआ, पढ़ सकते हैं, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी कि इस सेक्शन को यहीं ब्रेक करके नया पेज शुरू करिए। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज अलग हो जाएगा और आगे के पेज अलग हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये पेज, फर्स्ट वाला पेज अलग हो गया और ये सेकेंड वाला पेज अलग हो गया। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ही नीचे मूव कर गया, जिसको हम वापस से सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वापस हमने सेट कर लिया। उसके बाद अब इस दूसरे पेज को भी हम इस सेक्शन ब्रेक करेंगे, यानी कि इस पेज को भी अलग कर लेंगे। तो फिर वही करेंगे, कर्सर एकदम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, ये देखिए नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एकदम लास्ट में हमने कर्सर रखा। फिर हम जाएंगे वापस से लेआउट में। ठीक है, लेआउट पे क्लिक करेंगे, वापस से जाएंगे ब्रेक्स में और ब्रेक्स में क्लिक करके हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज भी अलग हो गया और यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट थोड़ा सा नीचे चला गया, इसको हम वापस से फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, तीनों पेज अलग अलग हो गए। पहले दो को हमने अलग कर दिए तो तीसरा अपने आप ही अलग हो गया। इस तरीके से जितने भी पेज हैं, जहां जहां भी आपको अलग बॉर्डर लगाना है, सबसे पहला काम हमें सेक्शन ब्रेक करना है। ठीक, अब बॉर्डर लगाना बड़ा आसान है। सबसे पहले वाले पर अपना कर्सर रखिए, कहीं पर भी कर रख सकते हैं। जैसे कि देखिए कर्सर यहाँ नीचे ब्लिंक कर रहा है, आप कहीं भी कर्सर रख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले पेज पर कर्सर रखिए, उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में डिजाइन टैब, ये रहा डिजाइन टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको राइट हैंड साइड में जाना, सबसे लास्ट मिलता है पेज बॉर्डर, ये रहा पेज बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो पेज बॉर्डर का विंडो ओपन हो गया, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, पेज बॉर्डर पे बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स ही बनाते हैं। ठीक, बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आप आएंगे जब, ठीक है, तो यहां पर देखिए होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है। ठीक है, हमको ये नहीं सेलेक्ट करना है, इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और यहां पर देखिए दिस सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, होल डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे दिस सेक्शन से ध्यान रखिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर सिर्फ पहले पेज पे बनेगा। ठीक है, ये देखिए हमने ओके पे क्लिक किया और आप देखिए बॉर्डर जो है वो सिर्फ पहले पेज पे बना। पेज की साइज मैंने इसीलिए थोड़ी छोटी रखी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर कैसे लग रहा है। ठीक, तो पहले पेज पे ये अलग बॉर्डर लगाया, अब दूसरे पेज पे हम अपना कर्सर कहीं भी रख देते हैं। ये देखिए हमने कर्सर इस बार यहाँ रखा, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद वापस चलेंगे डिजाइन टैब में, ये रहा ऊपर डिजाइन टैब, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, राइट हैंड साइड में जाना है पेज बॉर्डर पे। ठीक, फिर से पेज बॉर्डर पे क्लिक करिए, पेज बॉर्डर का विंडो ओपन होगा। अब इस बार हम थोड़ा स्टाइल चेंज करके देख लेते हैं, हम आर्ट वर्क ले लेते हैं कोई नया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एप्पल ले लेते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ से हमने आर्ट वर्क पे क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे हमने एप्पल ले लिया, यहाँ पर बॉक्स ही सेलेक्ट रहने देते हैं। ठीक, ये बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन ओके पे क्लिक करने से पहले ध्यान रखिएगा कि होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम वापस से यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और दिस सेक्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर अलग बन गया इस पेज पे। ठीक है, उसी तरीके से तीसरे पे बना लेते हैं, तीसरे पर अपना कर्सर कहीं रखिए। ठीक है, ये देखिए तीसरे पे यहाँ पे कर्सर इस बार ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद वापस से डिजाइन टैब में, ठीक, डिजाइन टैब में वापस से पेज बॉर्डर पे, पेज बॉर्डर पे बीच वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है पेज बॉर्डर, बॉक्स ही सेलेक्ट रहने देते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें आर्ट वर्क पे चलते हैं, इस बार हम कोई दूसरा आर्ट वर्क ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस बार हम स्टार ले लेते हैं, ये रहा स्टार, इस पर क्लिक कर दीजिए और वापस ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और दिस सेक्शन सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार स्टार वाले बॉर्डर बन गए। तो इस तरीके से तीनों पेजों पे आप अलग अलग बॉर्डर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।